कल्याण, कला संस्कृति, युवा कार्य, खेल विभाग मंत्री हफीजुल हसन हजारीबाग पहुंचे। इसे लेकर शहीद निर्मल महतो पार्क में स्वयंसेवी संस्था तरंग ग्रुप ने पेंटिंग, गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मंत्री हफीजुल हसन के हाथों किया गया। मौके पर मौजूद मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिताओं से हजारीबाग संघ पूरे झारखंड राज्य के लोगों के प्रतिभाओं में निखार आएगा और भविष्य में सरकार प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी कई योजनाएं लाएगी। इसके पश्चात मंत्री हफीजुल हसन ने हजारीबाग शहर के कई मदरसों का भी भ्रमण किया। इस पूरे भ्रमण के दौरान हजारीबाग की जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रुचि कुजूर समेत कई जेएमएम एवं कांग्रेसी नेता संघ स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गुलाम अहमद रजा द्वारा की गई बातचीत के कुछ मुख्य अंश। हजारीबाग में 2014 के बाद से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है माइनॉरिटी को लेकर के, मॉब लिंचिंग को लेकर के। झारखंड को अब लिंचिस्तान भी कहा जाने लगा है। इस पर लेकर के आपकी सरकार क्या कुछ माइनॉरिटी लोग को लेकर कर रही है? इसमें बहुत जल्द हम लोग कानून बनाने जा रहे हैं। सर, ये तो बहुत शुरू से सबसे पहला मुद्दा रहा है। झारखण्ड सरकार जब बन रही थी, जब हेमंत सोरेन अपना हर प्रचार कर रहे थे, उस वक्त इसे एक बड़ा मुद्दा लेकर के चले थे। उसके बाद भी इतने दिनों बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ निर्णय नहीं। देखिए, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, पूरी तरह से अभी खत्म हुआ है। आप देखें, हमें दो दिन पहले ही खत्म किया गया है और हमको लगता है कि एक दो महीना के अंदर इसका हम लोग इम्प्लीमेंट कर। कुछ खास प्रकार का कोई कानून आ रहा है, कुछ नया चीज जो झारखंड देखेगा? जैसे मॉब लिंचिंग जो है वो सब तो नहीं रहेगा, लेकिन उसी टाइप का कानून आएगा। और आर्ट एंड कल्चर को लेकर के भी अभी तक कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं आया है झारखंड में? अभी तो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। आप कल देखे होंगे जीफा का हम लोग प्रोग्राम कराए कल, और यहाँ भी हम इसी सिलसिले में आए हैं और हर जगह ये हो रहा है। झारखंड में तो करीब 26 तरह का नृत्य पूरे झारखंड में, उसको हम लोग एक जगह किए हैं और बहुत ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं कला के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। बहुत आपको 6 महीना के अंदर बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है और आप सरकार का देख रहे हैं कि अभी कल ही हम लोग कहीं भी विधानसभा में आप नहीं देखे होंगे छात्र संसद, ठीक है, जागरूक हम लोग कर रहे हैं। सर, बड़े कलाकारों की जब बात आती है तो बड़े बड़े कलाकारों को बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत सारी सब्सिडियां भी उन्हें मिलती है, मगर छोटे कलाकार जो छोटे छोटे गांव से निकल रहे हैं उनके लिए अभी अब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। कल ही हमने घोषणा किया, कल अब देखे होंगे कि झारखंड आइडियल के तौर पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब जो नीति हम लोग बनाएंगे, कला नीति, कला संस्कृति नीति बना करके काम। पहले शनि परब हुआ करता था जिसमें छोटे छोटे कलाकारों को मौका मिलता था कार्यक्रम करने का, हर में झारखंड में होता था। ऐसा कुछ प्लान छोटे कलाकारों के लिए आपके पास है क्या? हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कमेटी बनाएंगे और कला को निखारेंगे। अभी हम लोग फुटबॉल में पंचायत स्तर से शुरू किए, पंचायत स्तर से फुटबॉल प्रतियोगिता कराएंगे, प्रखंड होगा, जिला होगा, फिर जोन होगा, फिर राज्य होगा। सर, हजारीबाग में एक स्टेडियम है कंचन ग्राउंड, जिसको अभी की डेट में देखा जाए तो सब्जी बाजार जैसा बना दिया गया, वहाँ पर सब्जी का मंडी लगता है, तो उसके सुंदरीकरण में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप संज्ञान में दिए हैं, उसको हम देखते हैं, खेल जो पदाधिकारी है उससे बात कर करके हम उसको संज्ञान लेते हैं। और सर, अभी आपने कुछ बच्चों को भी देखा है स्केटिंग करते हुए, वो बच्चे अभी उभरते हुए कलाकार, सबका भी मांग है जी, उसका भी मांग को पूरा करें। मंत्री बनने के बाद पहली बार आप हजारीबाग आए हैं और शायद दूसरी बार, आज एक कार्यक्रम तरंग ग्रुप के कुछ कार्यक्रम में भाग, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा लगा और जो बच्चे हैं जो उन्होंने अपना कला को दिखलाया वो
बहुत अच्छा लगा और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर, जो राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर के खिलाड़ी है उन लोगों को टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रहा है जिसे झारखंड सरकार की तरफ से पेमेंट दिया जाता था। अभी भी हाल में हजारीबाग के 3-4 खिलाड़ी मीडिया के सामने आकर इस मुद्दे को उठाया मगर अभी तक उनको बोलिए मेरे पास आने के लिए। ठीक है। अब सर, राज्य स्तर के खिलाड़ी छोटे छोटे गांव में रहते हैं, आकर के स्टेडियम में बहुत दूर से प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इतना आसान होगा जाकर के मंत्री से मिलना? नहीं नहीं, उसका कुछ तो इंतजाम करेंगे ना, आपसे बोलने से तो हल होगा नहीं सर। जो उनको बोलेगा या मेरा डिस्ट्रिक्ट अफसर जो है उनको वो खबर करेंगे तब ना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट अफसर पर इस बात को लेकर कुछ दबाव बनेगा आपके संग? मेरे पास आएगा तो हम दबाव बनाएंगे उसको। ठीक है, चलिए आइए।